अगर आप भी भारतीय टीम को बेहतरीन टीम मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेली गई T20 श्रृंखला में जहां भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड को अपने दमदार प्रदर्शन से सिर्फ शर्मनाक हार का स्वाद नहीं चखाया बल्कि भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड को करारी बेइज्जती का भी स्वाद चखाया था। उसके बाद तो न्यूजीलैंड के खेमे में भारतीय टीम को लेकर काफी ज्यादा गर्मा गर्मी बढ़ती हुई नजर आ रही है और ये गर्मा गर्मी हमें देखने को मिली हाल ही में न्यूजीलैंड के दिग्गज खिलाड़ी ब्रेंडन मैकलम के द्वारा, जिन्होंने भारतीय टीम को लेकर एक ऐसा विवादित बयान दे दिया जिसे सुनकर तो पूरे क्रिकेट जगत में बवाल मच गया है। तो चलिए दोस्तों बताते हैं आपको कि क्या कहा ब्रेंडन मैकलम ने भारतीय टीम को लेकर। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, महेंद्र सिंह धोनी और ब्रेंडन मैकलम में से कौन महान खिलाड़ी रहा है? नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच बेहद ही जबरदस्त श्रृंखला खेली जा रही है जिसमें पहले इन दोनों टीमों के बीच में जबरदस्त T20 श्रृंखला खेली गई, जिसमें भारतीय टीम ने तीनों T20 मुकाबलों में न्यूजीलैंड को हराकर उन्हें खाली शिकस्त ही नहीं दी बल्कि उन्हें शर्मनाक बेइज्जती का भी सामना कराया, क्योंकि न्यूजीलैंड की ही टीम ने भारत को T20 वर्ल्ड कप से हराकर उनका T20 वर्ल्ड कप का सफर समाप्त किया था, जिसके बाद भारतीय टीम के लिए न्यूजीलैंड से बदला लेना तो पूरी तरीके से जायज था, जो कि भारतीय टीम ने रोहित शर्मा के नेतृत्व में लिया भी, जिसके बाद न्यूजीलैंड के कई खिलाड़ी और दिग्गज खिलाड़ी न्यूजीलैंड के इस खराब प्रदर्शन और हार को पचा नहीं सके और जहर उगलते हुए भारतीय टीम को लेकर ऐसी ऐसी बातें कह दी जिसके बाद तो क्रिकेट जगत में विवाद खड़ा हो गया। दोस्तों, बता दें हाल ही में न्यूजीलैंड के दिग्गज खिलाड़ी प्रणव मैकलम ने भारतीय टीम को लेकर अपने बयान में कहा कि भारतीय टीम उन्हें भले ही T20 श्रृंखला में न्यूजीलैंड की टीम को हरा दिया हो लेकिन भारत की टीम न्यूजीलैंड को T20 श्रृंखला में नहीं हरा पाएगी क्योंकि भारतीय टीम में वो काबिलियत नहीं है जो न्यूजीलैंड की टीम में है। टेस्ट मुकाबलों में हमने पहले भी कई बार भारत को टेस्ट मुकाबलों में हराया है और हाल ही में हमने तो इसी साल भारत को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले में बेहद ही बुरी तरीके से उन्हें हार का सामना कराया था और ये साबित कर दिया कि न्यूजीलैंड की टीम भारतीय टीम से कहीं गुना बेहतर टीम है और ऐसा ही कुछ प्रदर्शन न्यूजीलैंड की टीम इस टेस्ट श्रृंखला में भी करके दिखाएगी क्योंकि न्यूजीलैंड की टीम में एक से बढ़कर एक खिलाड़ी हैं जैसे कि केन विलियमसन जो भारतीय टीम को बुरी तरीके से हराने के लिए हमेशा तैयार रहता है और उनके खिलाफ जबरदस्त खेल का प्रदर्शन करके उन्हें धूल चटाने के लिए हमेशा तैयार रहता है। केन विलियमसन के नेतृत्व में भारतीय टीम को हराने के लिए न्यूजीलैंड का हर एक खिलाड़ी अपनी जी जान झोंक देगा और उन्हें 2-0 से हराकर ये श्रृंखला जीतने में कामयाब रह पाएगा। लेकिन दोस्तों, ब्रेंडन मैकलम के बयान को सुनकर आप सभी को क्या लगता है, क्या न्यूजीलैंड की टीम भारत को टेस्ट श्रृंखला में हरा सकती है या नहीं? नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।